लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रमेश, ये कौन है बेटे? मम्मी, ये मेरा दोस्त है, ये हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? सुरेश। सुरेश? जी हाँ, मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में हेड क्लर्क है, उनका नाम मोहन बाबू है। तुम्हारी मम्मी और बहन अच्छी है ना? रमेश की मम्मी, अब जानती हो उन्हें? मेरी मम्मी कलेक्टर है, सब कुछ जानती है, सबको जानती है ना मम्मी? पहले ये तो बताओ कि तुम दोनों में दोस्ती कैसे हुई? हमारे क्लास में एक रमेश ही ऐसा लड़का है जो रोज अच्छे अच्छे नए नए कपड़े बदल कर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन, रमेश या कपड़े? दोनों। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए भी ऐसे कपड़े बनवा देंगे, पहनोगे ना? क्या सोचने लगे, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। रमेश, तुम्हारे पास इसी तरह की एक ड्रेस है ना, सुरेश को पहनने दे दो। अच्छा मम्मी। रमेश की मम्मी, क्या बात है बेटे, अब बहुत बहुत अच्छी हैं। रमेश की मम्मी। अच्छा, तो अब वो अपने लड़के को यहां भेजकर मेल जोल बढ़ाना चाहता है। अच्छा, भिखारी अगर भीख के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे टुकड़ा डाल दो, लेकिन भिखारी को सर पर बिठाना हिमाकत है। इस नादान बच्चे का क्या दोष पिताजी? उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि वो एक कमीने और धोखेबाज की औलाद है, उससे संबंध रखने वाले हर चीज से मुझे नफरत है। पिताजी, मेरा भी तो उनसे संबंध है, इसीलिए तो मुझे कभी कभी तुमसे भी नफरत हो जाती है। मम्मी मम्मी, क्या बात है बेटे? ये ड्रेस सुरेश को कितनी अच्छी लग रही है। आहा, तुम दोनों भाई भाई लगते हो। तुम दोनों हमेशा राम और लक्ष्मण की तरह प्यार से रहना, समझे? सुरेश, बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी, चल अब खाना खा। मैंने तुझे कुछ पता लगाने भेजा था, भीख मांगी, शर्म नहीं आती? क्या मैं तुझे खाना नहीं देती? भूखा मारती हूँ, कौन ऐसे करेगा? कौन करेगा? तू करेगा? कभी करेगा? क्या कर रही है? क्यों मार रही हो? मैंने इसे जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, क्या मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकती? इसकी जान ले लो। पागल तो नहीं हो गई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन यही हाल रहा तो बहुत जल्दी हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? कोई इसे कंगाल समझ के नए कपड़े देता है और ये बेशरम उन्हें पहनकर यहाँ खड़ा होता है। तो क्या हुआ, आखिर वो छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को तो मारकर सुधारा जा सकता है, पर बड़ों को कैसे सुधारा जाए? ये पहले क्या बजा रही? खैर जाने दो, ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? 10 साल। मैं रोज सुबह कितने बजे उठती हूँ? 4 बजे। कितने बजे सोती हूँ? रात के 12 बजे। मैं दिन भर मरती खपती हूँ किसके लिए? इस घर के लिए ना। बताओ, इस 10 साल में कभी कोई गलती की है मैंने? कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गई हूँ मैं? तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों की सेवा में कभी कोई कमी रखी है मैंने? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कभी रेशमी साड़ियां या सोने के गहने मांग कर मैंने तुम्हें तकलीफ दी है? सीमा, कभी मैं अपनी किस्मत पर रोई हूँ कि मेरे पति कलेक्टर नहीं क्लर्क है? सीमा, अगर मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो आज तक पागल नहीं होती। रुक क्यों गए? मारो, खूब मारो, मैं इस दुख को बर्दाश्त कर लूंगी, उठ तक नहीं करूंगी, लेकिन इससे बड़ा दुख देकर इस दुख को छोटा मत बनाओ, इसी को बड़ा रहने दो, यही प्रार्थना करती हूँ। घुमा फिरा की बातें क्यों करती हूँ? तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, थोड़े में कहो। ये बात है, ये बात है। जितनी दया आप में है बाबूजी, उससे आधी भी आपकी बेटी में नहीं। मैंने उनसे कहा जी तरक्की चाहिए, उन्होंने कहा कि तशरीफ ले जाइए। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा कि गेट आउट। जी हाँ, गेट आउट। तो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में क्या अड़चन है? बहुत अड़चन है बाबूजी, दरअसल मैंने थोड़ी सी रिश्वत ले ली थी, बस इस मामूली सी बात में ही मुझे पीछे धकेल दिया और मुझसे उम्र में छोटे, दर्जे में छोटे, तजुर्बे में छोटे मोहन को क्लार्क से हेड क्लार्क बना दिया।
मैंने हर कलेक्टर के सामने अपने हाथ पैर जोड़े हैं तरक्की के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो मोहन तुम्हारे रास्ते का रोड़ा? जी हाँ। उसकी जगह तुम्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बाबूजी, वो आदमी भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा आदमी है। ये तो मैं भी जानता हूँ बाबूजी, लेकिन अब चक्कर में फंस गया बच्चू। हमारी ऑफिस की एक जरूरी फाइल खो जाने के चक्कर में फंस गया। फाइल? जी हाँ बाबूजी, अगर ये फाइल वाकई खो गई ना तो हमारे ऑफिस को कम से कम 2 लाख रुपए की चपत लगेगी। 2 लाख? बिल्कुल बाबूजी। मिस्टर दुबे। जी हुजूर। जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़े। मैं उससे भी ज्यादा करूंगा हुजूर, बस मुझे मोहन बाबू की कुर्सी पे बिठा दीजिए सरकार। यस, मैं कलेक्टर का पीए बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या हेड क्लर्क मोहन बाबू ने ऐसा किया? यकीन नहीं होता। आप कौन साहब बोल रहे हैं? व्हाट, नाम जाहिर नहीं करेंगे? देखिए मिस्टर, गलत खबर देकर आप मुझे मुसीबत में ना डालें। साबित होने पर जरूरी कार्रवाई करूंगा। यस। आप ही मिस्टर मोहन हैं ना? जी। मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? क्यों, किस वजह से? वजह है नामुमकिन। मैं इस ऑफिस का हेड क्लर्क हूँ। ये नहीं मालूम है, तलाशी मेरी राय से ली जा रही है। लेकिन मुझ पर इल्जाम क्या है? मुझे मालूम तो होना चाहिए। तलाशी लेने के बाद इल्जाम बता दिया जाएगा। देखिए, मैं इस ऑफिस का एक जिम्मेदार मुलाजिम हूँ। मिस्टर मोहन, मेरी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है। हो सकता है, लेकिन मैं किसी को अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, थोड़ी देर पहले मुझे फोन पर सूचना मिली कि हेड क्लर्क मोहन बाबू ने 5,000 रुपए रिश्वत ली। क्या? किसने सूचना दी? क्या नाम था उस आदमी का? नाम तो उसने बताया नहीं। बिना नाम जाना थे फोन पर यकीन कर लिया, एक्शन ले लिया। एक्शन लेना जरूरी लगा मुझे, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना आपने पुलिस को बुलाया कैसे? कम से कम आपने हमारे हेड क्लर्क की इज्जत और ईमानदारी का लिहाज किया होता। आपने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। मैंने जल्दबाजी की? या मिस्टर मोहन ईमानदार है, इसका फैसला तलाशी लेने के बाद हो जाएगा। ठीक है, लीजिए तलाशी। मैडम, क्या आपको भी मुझ पर शक है? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरी तलाशी ली जाए? बड़ी रकम आपके टिफिन बॉक्स में कहां से आई? कैसे आई? बोलिए, क्या जवाब है आपके पास? ये रुपए मेरे नहीं है, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में कहां से आया, जिसकी फाइल इस ऑफिस से खो गई है? इसी का जवाब तो मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब है आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं। मैडम, उस कंपनी के विजिटिंग कार्ड का इनके पास होना और इतने रुपयों का चोरी चोरी ले जाना इनकी रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा सबूत है, और इससे इन पर लगा दूसरा चार्ज भी खुद ब खुद साबित हो जाता है कि वो फाइल खोई नहीं थी, बल्कि मोहन बाबू ने 5,000 के लिए जानबूझकर उस फाइल को गायब कर दिया था। डिस्ग्रेसफुल, डिस्ग्रेसफुल। इंस्पेक्टर, ऑफिस के नियम के अनुसार मैं इन पर एक्शन लूंगी। इस सिलसिले में आपकी जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपको फोन कर दूंगी। अब आप जा सकते हैं। मिस्टर जगदीश, यस सर, कम टू माय रूम। क्या आपको पूरा यकीन है कि हमारे हेड क्लर्क ने रिश्वत ली होगी? मोहन बाबू हर रोज शाम को 7 बजे घर जाते हैं, लेकिन आज इतनी जल्दी 5 बजे घर क्यों चल दिए? इस बात पर भी गौर करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कुछ मुद्दत के लिए सस्पेंड करना होगा। यानी आप भी उन्हें सजा दिलाने पर तुले हुए हैं?
ऐसी बात नहीं मैडम, हमें कायदे से चलना होगा। ऑल राइट, अपने काम से मुअत्तल कर दीजिए और सस्पेंड लेटर टाइप कराकर मेरे दस्तखत के लिए भेज दीजिए। जाइए। यस सर। मिस्टर मोहन, आज से आपको काम पर से मुअत्तल कर दिया गया। मैंने रिश्वत नहीं ली, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैडम, मैंने रिश्वत नहीं खाई। मैं मेहनत और ईमानदारी से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा, और वो भी आपके हाथों, क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगा? यही कि मैंने रिश्वत ली है इसलिए मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? मेरी पत्नी सीमा इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी, और तुमने इस पर विश्वास कर लिया आशा। मिस्टर मोहन, होश में बात करो। किसे तुम कह रहे हो? किसका नाम ले बेअदबी कर रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। मैडम, इससे पेशतर कहीं ये कुछ और कह बैठे। आप यहां से चले जाए प्लीज। मोहन बाबू, मैं जानता हूं जोश में तुमने कलेक्टर जी का नाम ले लिया और पीए ने तुम्हारा अपमान कर दिया। खैर भूल जाओ इस बात। एक तो वही ऊपर वाला है, जिसे तुम किसी भी नाम से पुकारो वो कभी नाराज नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम उसी से शिकायत करो। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ा हूं। चलो।